बिग बॉस ओटीटी स्टार्ट होने से पहले ही आकांक्षा पुरी पर, या फिर यू कह लो कि आकांक्षा पुरी को लेकर बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर उठ रही हैं, और जनता जो है वो बहुत अलग अलग तरीके के बयान और अलग अलग तरीके की बातें जो है उठा रही है। और आपको बता दूं कि किस वजह से सारी बातें उठ रही हैं, तो ये आकांक्षा पुरी के साथ साथ आकांक्षा पुरी के मुद्दे में मैं कह सकता हूँ कि प्रियंका चार चौधरी का नाम भी लिया जा रहा है, प्रियंका चार चौधरी का भी नाम जोड़ा जा रहा है, और साथ ही साथ ये बात कही जा रही है कि क्रिएटिव टीम को भी इसमें साथ में लिया जा रहा है। उसके बाद मतलब ओवरऑल देखा जाए, क्रिएटिव टीम हो या फिर बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़कर एक ट्वीट किया गया है, आकांक्षा पुरी, प्रियंका चार चौधरी, बिग बॉस की क्रिएटिव टीम और एंडमॉल की टीम, इन सभी को एक साथ जोड़कर एक ट्वीट किया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई शो शुरू होने से पहले ही विवाद होना शुरू हो गया है। शायद इसलिए सलमान खान ये कह रहे थे कि इस बार इतनी लगेगी कि आपकी हेल्प लगेगी, अब ये हेल्प लगने का समय आ चुका है। तो अगर ऐसा क्या हुआ है, या अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा चीज जानने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदो। अगर बात की जाए बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की, तो भाई इसके पहले जितने भी कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई थी ना, मतलब एक चीज कहा जा सकता है डंके की चोट पे कि सबके प्रेडिक्शंस फेल हुए। चाहे वो मतलब बहुत सारे लोगों के नाम इस लिस्ट में जोड़े गए थे, बहुत सारे लोगों को इस लिस्ट से आउट किया गया था। जैसे एक नाम बहुत सारे लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था, आवेश दरबार का। लेकिन कल अगर आपने कल का जो फेस रिवील वाला वीडियो देखा होगा जियो सिनेमा पे जो अपलोड किया गया था, उसमें तो भाई मतलब दूर दूर तक कोई भी ऐसा कैमरा एंगल हमको तो नहीं दिखा, ना जनता ने देखा, जिसमें आवेश दरबार दिखे हो। हाँ, लेकिन एक नाम जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था, लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि ये भी आ रहे, वो नाम पुनीत सुपरस्टार का था। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो मैं बात कर रहा हूँ तीखी पुरी की, आकांक्षा पुरी, जिनका कल रिवील किया गया। भाई सीधे सीधे फेस से ही पता चल रहा है यार, उसको ऐसा भी नहीं आप छुपा सकते हो। अब आकांक्षा पुरी को अगर ना पहचान पाए तो फिर मतलब ही क्या भाई। लेकिन हिसाब से देखा जाए तो बीच में अब सवाल क्या उठ रहा है कि प्रियंका चार चौधरी की, प्रियंका चार चौधरी जो बिग बॉस में थी, तो उनको जिस तरीके से इल्ट्रीट किया गया था क्रिएटिव टीम द्वारा, क्योंकि आप देख सकते हो ट्वीट इसमें लिखा गया, क्योंकि बिग बॉस की टीम की आदत है, क्रिएटिव टीम की एंडमॉल की, कि वो स्ट्रांग ओपिनियटेड जो वुमन होती हैं उनको इल्ट्रीट करते हैं। तो अभी ट्वीट वायरल हो रहा है कि आई होप कि आकांक्षा पुरी के साथ भी इस तरीके का बिहेवियर ना हो जैसे प्रियंका चार चौधरी को इल्ट्रीट और मॉक किया गया था, वैसा आकांक्षा पुरी के साथ बिल्कुल भी ना हो, बिकॉज शी इज अ स्ट्रांग ओपिनियटेड वुमन एंड बिग बॉस एंड कलर्स टीम एंड एंडमॉल्स टीम, एंडमॉल्स क्रिएटिव टीम सीम्स टू हैव प्रॉब्लम विद स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड वुमेन्स। तो इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं, क्या सलमान खान के होते हुए ऐसा कुछ हो सकता है? बिकॉज यार बिग बॉस ओटीटी अभी तक ऑन एयर भी नहीं है और अभी से इतनी ज्यादा सुर्खियां बटोरना शुरू हो गया। सोचो जब आ जाएगा ओटीटी पे तो उसके बाद कितनी ज्यादा सुर्खियां बटोरेगा। इस पर आपकी क्या राय है, और आकांक्षा पुरी और प्रियंका चार चौधरी और क्रिएटिव टीम वाले मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।